राजस्थान के बाड़मेर जिले की राजनीति में एक नेता का नाम फिर से चर्चाओं में आ गया है। पिछले करीब 5-6 महीने पहले यहां की राजनीति इस नेता के ही इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सेक्स स्कैंडल में नाम आने और कुछ तथाकथित अश्लील वीडियो वायरल होने से अब जनता इस नेता का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब यहाँ नेता राजनीति में वापसी को लेकर हाथ पांव मार रहा है और विरोधी इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस नेता का नाम है मेवाराम जैन। बाड़मेर विधानसभा से 3 बार विधायक और राजस्थान गो सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे जैन का 6 महीने से विधानसभा चुनाव हारने के बाद और तथाकथित दुष्कर्म का मामला दर्ज होने और ईडी की कार्रवाई के चलते ये नेता गुमनामी में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी ने मेवाराम जैन का नाम लिए बगैर उन पर जुबानी हमला किया। ये कहीं ना कहीं एक इशारा था कि मेवाराम जैन अब जल्द ही राजनीति में वापसी करने वाले हैं। इसी को लेकर गुरुवार को बाड़मेर विधानसभा के एक युवा नेता की पोस्ट भी चर्चाओं में बनी। ये युवा नेता आजाद सिंह राठौर हैं, जो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। पूर्व में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के को अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। पिछले 10 सालों से बाड़मेर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट से आने वाले पूर्व विधायक मेवाराम जैन हर बार इन्हें टिकट की रेस में मात दे देते हैं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सूरा गांव में एक निजी स्कूल का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होना है। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों द्वारा निमंत्रण पत्रिका छपवाई गई, जिसमें पूर्व विधायक मेवाराम जैन, आजाद सिंह राठौर सहित कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों का अतिथियों की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता आजाद सिंह राठौर ने आपत्ति जताते हुए लिखा, इस आमंत्रण में ना तो मेरा नाम पढ़ा जाए, ना ही मेरी इस कार्यक्रम को लेकर कोई स्वीकृति है, ना ही यहाँ आमंत्रण स्वीकार है। मैं किसी दुराचारी, चरित्रहीन, निकृष्ट व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। शर्मनाक, अश्लील और बेशरम लोग मुझे अपने दुराचार ग्रुप में शामिल करने की कोशिश ना करें। आयोजक तुरंत इस निमंत्रण पत्र में से मेरा नाम हटाए। मैं राजनीतिक नफे नुकसान के कारण अपनी अंतरात्मा, चरित्र और समाज हित से समझौता नहीं कर सकता। मुझे बाड़मेर की वर्तमान ही नहीं, अगली आने वाली पीढ़ी को भी जवाब देना है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस के ही पूर्व विधायक पर लगातार जुबानी हमलों से कहीं ना कहीं ये साफ है कि मेवाराम जैन जल्द ही राजनीति में वापसी कर सकते हैं। इसी को लेकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में मेवाराम जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की मदद की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के नेता उनकी वापसी पर बैरिगेड लगाए हुए। अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम बैरिगेड के बाद भी क्या मेवाराम जैन कांग्रेस और बाड़मेर की राजनीति में वापसी कर पाते हैं या नहीं। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।